जो PYQ पिछले साल के हैं उनसे क्या रिलेशन होता है पेपर का, और हमने तक कहा था ये कि हर साल 5-5 साल के जो PYQ हैं उनको मैच कराइए। तो किसको किस ईयर का फार्मूला बेस दिया था पंकज सर को, क्या दिया था सर? 2015 से 2022 तक जो ये ईयर्स हैं इसमें 2023 में क्वेश्चन टोटल 25 क्वेश्चन। अच्छा, मिस्टर सर के पहले ही मतलब इन्होंने काफी टाइट किया था कि इधर निकालना 25 क्वेश्चन पूछे गए, 25 क्वेश्चन केवल फॉर्मूले पे, और केवल फॉर्मूले बेस पे आए सर। मतलब 2015 से 2022 तक 23 क्वेश्चन, 2015 से 22 तक, 2023 में 25 क्वेश्चन फॉर्मूले बेस। मतलब सर अगर बच्चा, सर ये बताइए जी कि ये अकल हम लोगों को पहले क्यों नहीं आई थी रिवीजन में? अब इसमें दिमाग लग रहा है तो लग रहा है ना। तो अगर मतलब आप लोग अब एग्री कर रहे हो कि अगर 15 से 22 तक जो पेपर आया है उसमें सारे फार्मूले पे 5-5 सवाल की प्रैक्टिस करा दी जाए तो 25 सवाल बच्चे को मिल जाएंगे। 2023 में बच्चा 25 सवाल कर लेता तो आए बाएं साएं हम लोग क्यों पढ़ाते हैं फिजिक्स से। फिर कैफे सर बताइए, आप क्या मिला था? सर मुझे 2014 से 2021 मिला, 2014 2021, और उसमें देखा गया जो 2022 में क्वेश्चन आए, 2014 से इतने भी 21 तक फॉर्मूले सवाल बने अब तक, 2022 में उसमें 24 क्वेश्चन बने, 25 24, 2023 क्या बात है। पिछले 5 साल के क्वेश्चन देखे तो अगले 5 साल में जो अगले ईयर में क्वेश्चन आ रहे हैं करीब 24 25 23 22। सिंपल सा यही है कि बच्चा अगर सर सिर्फ इसी पे, अगर 7 साल के पेपर में अगर वो फॉर्मूले पे सवाल लगा ले, फार्मूला समझ के, पूरा फार्मूला समझ के 5-5 सवाल भी लगा ले तो डेफिनेटली उसका 20 से 25 सही गलत, मतलब 100 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे। वेरी गुड। अब कुछ उससे संबंधित आ जाएंगे। वसीम सर जी, सर 2013 से 2020 तक में 21 में क्वेश्चन पूछा गया है, 23 क्वेश्चन। क्या फिर से बताइए क्या किया आपने पहले बताइए। 2013 से 2020 तक के, आपने 2013 से 2020 तक 20 तक का पेपर देखा और सारे फार्मूले निकाले, बेस में उसमें क्वेश्चन आए 2021 में, वो 23 क्वेश्चन आए। और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी कराते भी हो जी सर। वेरी गुड। हाँ अनिश सर क्या था? 2012 से 2019 का जब देखा सर, 2020 में 24 क्वेश्चन आए, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। मतलब 20 से 25 सवाल आ रहे हैं अगर 5 साल पहले का जो PYQ अगर उसके फार्मूले याद कर लें, है ना। हाँ सर, मैंने भी स्टडी किया, देखा 2011 से 2018 के बीच में आप मान चलिए कि 21 क्वेश्चन 2019 में एज इट इज वैसे ही है, वही फार्मूला बेस पर, मतलब वही फार्मूला बेस अगर हम लोग बच्चों को रटवा देते तो हमारा काम आसान हो। 20 से 22 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन लगभग सेम वही क्वेश्चन। अच्छा सर, यही है रिसर्च डेवलपमेंट, यही है R&D, और क्या है इसमें, है ना। अब हम लोगों को सोचना ये है कि 20 सवाल तो हो गए, अब बच्चों के 12-13 सवाल और कैसे सही कराया जाए। सर एक आइटम हमारे पास है। क्या आइटम है? सर थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन है, और हमने देखा सर 12 से 14 सवाल हर साल थ्योरी बेस्ड होते हैं, और थियरी बेस हमने देखा है कि 23 में थोड़ा सा ज्यादा हो गया, उनमें से उनको सर करने में टाइम ज्यादा नहीं। हां तो ये वाला आइटम आज तो सर इन्हीं को दे दीजिए, है ना, ये थियरी वाले क्वेश्चन जो है ये करें, और हम लोग जो NEET IPL कराने जा रहे हैं वो कुछ इसी तर्ज में कराएंगे। तो हम बच्चों से भी बार बार कहते हैं और आप लोगों से भी बार बार कहते हैं कि मुश्किल नहीं है, रास्ता सही पकड़ लिया जाए। लोग कहते हैं नीट बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, लोग बायो में तो कुछ याद ही करना है भाई बताइए, या केमिस्ट्री में भी बच्चे कर रहे हैं, और फिजिक्स में हम लोगों को किसी भी तरह से 30 से 35 सवाल बच्चे को सही करा दें तो हम आपको बता रहे हैं हमारे फ्रेशर बैच के बच्चे भी खूब कॉलेज के जाएंगे। और ये जब हमने बच्चों से, आप लोगों से काम कराया, बच्चों को दिखाया, बच्चे उछल गए कि सर ये फिजिक्स तो बहुत इजी है। अच्छा, ये सब देख के आपको, आप लोगों कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा है, प्लस क्वेश्चन। तो सर गुरु का तो काम यही होता है कि शिष्य को सही रास्ता दिखाए, है ना। सर एक बात है, बाकी सब लोग पढ़ाते हैं पढ़ाने के लिए, नहीं नहीं आप, हम लोग जो कर रहे हैं वो करिए, आप बताते हैं सिलेक्शन कैसे। हाँ, उसी का तो रिजल्ट है, और काहे का है। एक बहुत बड़ी बात, लाइट में आने का मतलब है, बच्चे का मतलब है। मिश्रा सर आपने कल भी वीडियो में बोला था, आप 1000 मरीज देखो एक भी नहीं सही हो, काहे का डॉक्टर माने तुम्हें यार। सही है, सही बात। भाई आप सोचो ना, बच्चा किस चीज से, किस चीज के लिए आ रहा है, मतलब बच्चे को कम लोड देगा, वो पढ़ने थोड़ी आ रहा है, वो तो स्कूल में पढ़ ही रहा है, है ना। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको वादा किया था कि अगर मैं ठीक हो के आ गया तो पूरी जान लगा देंगे, और फिजिक्स बेटा मेरा बहुत वीक पॉइंट था, ठीक है ना, और हम लोग फिजिक्स में भी काम कर रहे हैं, तो आप चिंता मत करिए। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या इन सारे फार्मूले पे बेस
पांच पांच सवाल की प्रैक्टिस करा दी जाए आपको, और हमारे सारे यंग एनर्जेटिक टीचर सब तैयार हैं मिश्रा सर के निर्देशन में। मिश्रा सर ये काम कराना हम लोग, है ना? पंकज सर होगा? होगा सर। कैफे सर हैं? बिल्कुल आप निकालेंगे आप लोग? आप लोग पूरा निकाल के दीजिए, क्वेश्चन हम खुद बैठ के टाइप कराएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। और कैफे सर को एक हफ्ते का हम लोग टाइम देते हैं, आप लोग एक एक ईयर के क्वेश्चन अपने ये टिक करके दे दीजिए फार्मूले, ठीक है? और इन फार्मूले को अच्छे से स्टडी कर लीजिए। और एस आर बी बैच के बच्चे तो हमें मस्त हो गए देखिए कि सर कुछ भी नहीं है, ठीक है? देखिए सर, अगर पी वाई क्यू का मतलब नहीं होता, पी वाई क्यू बच्चे क्या नॉर्मली होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं, लेकिन उसको कैसे चेंज करना है, क्या उसका और डेरिवेशन हो सकता है, और हमें लगता है कि इतना फार्मूला बच्चा अगर अच्छे से कर ले तो भाई साहब वो बहुत ज़्यादा सवाल सही कर सकता है, ठीक है? और अपने यहाँ से बच्चे 50-50 सवाल सही किए ही हैं, है ना? तो 45 का जोड़ देना। तो प्यारे बच्चों, टीम न्यू लाइट रात दिन आपके लिए सोच रही है, आपके रास्ते को आसान करने के लिए। और मैंने आपको बोला था, अच्छा वो होता है ना कि आप लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं, फोर्स का डायरेक्शन क्या लग रहा है, डायरेक्शन उल्टा करो तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है, ऐसा कुछ होगा ना? है ना? तो बेटा थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है और हार्ड वर्क नहीं करना है। और ऐसे सारे बच्चे जिनको 3-4 साल हो चुका वो परेशान ना हो, और इस सेशन को यूट्यूब पे जरूर अटेंड करें, हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयार हो जाइए। और अभी 5 अक्टूबर को आपका बायो का नीट आईपीएल है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच सर आप सब लोगों को। देखिए हम लोग जो भी कर सकते हैं बच्चों को सही डायरेक्शन में ले जाना है। और कैफे सर एक हफ्ते का टाइम है, ये मिश्रा सर कोऑर्डिनेट करके दे देंगे, आप बेटा टाइप कराओ, ठीक है? आप इधर प्रॉब्लम क्लास में बिल्कुल बताइए, वहाँ बैठ के अपना पहले ये काम करा लीजिए, ठीक है? तो नीट आईपीएल में इसको हम लोग शामिल करते हैं। थैंक यू सो मच, बच्चों को बेस्ट ऑफ लक बोल दिया जाए। तो बच्चों से बोले हम हैं तैयार, क्या ये लोग तैयार हैं? हम सब तैयार हैं कि नहीं? और बच्चे बोले वो तैयार हैं कि नहीं?